काकुली और पाकी देर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड बाट केयर रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। आज मैं आप लोगों को मेरे जो जावा के लिए ग्रिड है वो ही बना के दिखाऊंगी। देखिए मार्केट में तो बहुत सारे ग्रिड अवेलेबल होता है, लेकिन घर पे बनाया हुआ ग्रिड का खर्चा काफी कम आता है, तो इसलिए मैं वो ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये जो ग्रिड मैं बनाया उसका खर्चा 10 रुपीज से भी कम पड़ा, और ये ग्रिड मैं 4 बर्ड के लिए 6 मंथ तक यूज करूंगी। ग्रिड बनाने के लिए चाहिए रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी। तो ये जो रेड सॉइल है ये मैं चाय की प्याली से बनाऊंगी, और मैं लिया हूँ चारकोल। इतना सा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही लगेगा। और मैं लिया हूँ लाइम। लाइम को बाजार से ले आना है और उसको पानी के साथ थोड़ा सा भिगो देना है। उसके बाद लाइम वाटर को 10 डे के लिए खुले जगह पर रख देना है। 10 डे के लिए लाइम को ऐसे खुले जगह पर रखने के बाद ही आप ये जो लाइम है ये यूज कर सकते हो। थोड़ा सा लाइम लेकर आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपके टांग पर ये जो लाइम है ये दोगे तो कुछ भी फील नहीं होगा। टांग पर अगर कुछ भी फील होता है तो ये लाइम को और कुछ दिन खुले जगह पर रख देना, उसके बाद यूज करना। और मैं लिया हूँ अंडे का छिलका। आप यहाँ पर ऑस्टर सेल भी यूज कर सकते हो। मिट्टी की चाय की कप को ऐसे हल्के हाथों से थोड़े थोड़े करके तोड़ना है। रेड सॉइल में बहुत सारा मिनरल्स होता है जो जावा बर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। चाय की कप को ऐसे हल्के हाथों से तोड़ना है और ऐसे छोटे छोटे करके पीस कर लेना है। देखिए मार्केट में जो ग्रिड मिलता है वहां पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ही रेड सॉइल रहता है, तो इसलिए मैं रेड सॉइल को ऐसे ही पीस लिया। देखिए चाय की कप को मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिया हूँ। अभी चलिए चारकोल को भी ऐसे पीस लेते हैं। इतना सा चारकोल नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही चारकोल लेना है इसमें से। चारकोल जावा बर्ड की खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन चारकोल कुछ कुछ विटामिन का एब्सॉर्प्शन भी रोक देता है। चारकोल को भी मैं उस तरह से पीस लिया हूँ जिस तरह से मार्केट में जो ग्रिड अवेलेबल होता है वहां पर रहता है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। इस तरह से ही चारकोल रेड सॉइल को पीस लेना है। लाइम का भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा कर लेना है। ये देखिए लाइम का छोटे छोटे टुकड़ा हो गया है। अंडे की छिलका को ऐसे मिक्सी में पीस लेना है। चलिए अभी ग्रिड बनाते हैं। यहाँ पर मैं 4 इंग्रेडिएंट लिया हूँ। इसके साथ लेना है सैंड यानी कि बाली। मोटे दाना की सैंड नहीं था तो इसलिए मैं ये 4 इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ। चलिए अभी बनाते हैं। रेड सॉइल जो है वो मिनरल्स के लिए दी जाती है। देखिए मार्केट में जो ग्रिड मिलता है उस तरह से ही मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लिया हूँ। उसके साथ कैल्शियम के लिए मैं दे रही हूँ लाइम। अभी मैं दे रही हूँ चारकोल। चारकोल का क्वांटिटी बहुत ही कम है, आप देख सकते हो। और मैं दे रही हूँ अंडे का छिलका का पाउडर। यहाँ पर आप ऑस्टर सेल भी यूज कर सकते हो। आपके पास अगर मोटे दाना का रेत है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। चलिए अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेती हूँ। देखिए ग्रिड बनकर एकदम रेडी हो चुका है। ग्रिड को आप ऐसे स्टोर करके रख सकते हो, बहुत दिन तक ये ग्रिड अच्छा रहेगा और बर्ड को भी आप प्रोवाइड कर सकते हो।
यही ग्रीट मैं 6 मंथ से मेरे जावा बाट के ऊपर यूज कर रही हूँ। ग्रीट बार हिमालयन रॉक सॉल्ट में नहीं मिलाया क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो बरसात पे गीला हो जाते हैं और गीला होने से जो ग्रीट है वो खराब हो जाते हैं बरसात के टाइम, तो इसलिए मैं सॉल्ट जो है वो नहीं मिलाती हूँ। सॉल्ट मैं सॉफ्ट फूड में मिला देती हूँ। देखिए हिमालयन रॉक सॉल्ट को मैं ऐसे सॉफ्ट फूड में थोड़े थोड़े करके रोज ही मिला देती हूँ। चलिए अभी मेरे बाट को ये ग्रीट प्रोवाइड कर देते हैं। ग्रीट पर मैं कोई भी हर्ब्स नहीं मिलाया हूँ, जैसे कि मोरिंगा पाउडर, हल्दी, ये सब जल्दी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये सब सॉफ्ट फूड में मिला देना। ये देखिए फ्रेंड, मेरे जावा बाट का छोटे छोटे बेबी हुआ है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो वीडियो सबके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टाटा।